दोस्तों कल्कि के टीजर पर एसएस राजा मौली का शानदार रिएक्शन आया है। एसएस राजा मौली कहते हैं कि कल्कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी, क्योंकि इस बार जो डायरेक्टर नाग अश्विन ने मूवी बनाई है उसको देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि भाई ये यूनिवर्स हमारे दिल को ही हिला देगा, हमारे दिमाग को हिला देगा, क्योंकि ये यूनिवर्स आज तक नहीं बना है मूवी मार्वल और डीसी की मूवीज के स्कोप की है। और इसका टीजर काफी ज्यादा खतरनाक बनाया गया है, जिसके अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तमाम यूनिवर्स को कवर किया गया है और इस मूवी को 25 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है। ऐसे राजा मौली कहते हैं कि प्रभास का मुकाबला करने का पावर किसी में नहीं है, वो पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, बाहुबली हैं, उनके मुकाबले में कोई भी इतना बड़ा एक्टर नहीं है जो कि उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ पाए। बाहुबली प्रभास ने सलाह से कमबैक किया था और अब पूरा भरोसा है कि ये आने वाले फ्यूचर में कल्कि से भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाएगा। और इस टीजर को देखने के बाद हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई बॉक्स ऑफिस टूटने वाला है, क्योंकि अब बॉक्स ऑफिस का किंग वापस लौट कर आ रहा है। तो कल्कि 2898 का काफी ज्यादा क्रेज है, ऑडियंस काफी इस मूवी का इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन अब जो है वो रिव्यू आने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई है कि अब मूवी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी और 17 अप्रैल को आपको इस मूवी का टीजर भी देखने को मिलने वाला है। इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, 600 करोड़ रुपए इस मूवी के ऊपर खर्चा किया गया है और बड़े बड़े क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूवी हर लिहाज से बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाएगी और इसमें पूरा पावर है कि ये इंडियन सिनेमा के इतिहास को पलट देगी। क्या बाहुबली प्रभास एक बार फिर से बहुत अच्छा कमबैक करने वाले हैं? जो लोग आदि पुरुष को ट्रोल कर रहे थे, क्या उनके मुंह पर तमाचा लग सकता है? अपना कमेंट लाजमी करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।